पाण्याचा मुद्दा जो आहे तो उपस्थित केलेला होता. काय सध्याची परिस्थिती मुंबईतल्या पाण्याची आहे? कारण आपण जर पाहिलं तर उच्चभ्रू वस्ती आहे, तिला जास्त पाणी दिले जात आहे, परंतु जे सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांना मात्र पाणी कमी प्रमाणात मिळताना पाहायला मिळते. काय नेमकं? मुंबई में पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी पिछले जब से ये नया इलेक्शन 2017 में चुन के आई हूँ, तब से बार बार स्थानिक लोगों की कंप्लेन है कि कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई है. जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एल वार्ड में, उनको बार बार इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे दूषित पानी है, प्रेशर कम है, वाटर सप्लाई कम है. तो बोले मैडम ये सिर्फ पुरानी लाइन को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे नई लाइन में, तो पानी का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा. जुलाई महीने में बारिश हुई, सारे वाटर रिजर्वर फुल हो गए, उसके बाद भी ये समस्या कंटिन्यू थी. तो जब उनको कहा तो बोले डुअल सिस्टम की वजह से आपके वार्ड में पानी का सप्लाई कम आ रहा है, और जल्द से जल्द हम पुरानी लाइन बंद करेंगे, नई में देंगे, तो ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी. ये सिर्फ स्लम पॉकेट में नहीं, बल्कि सोसाइटीज में भी जब भी नल खोले तो उस तरह लाल रंग का पानी आ रहा था. तो मैंने ये पूछा कि जो नल में आप कहते हो कि दूषित पानी स्लम पॉकेट में, सोसाइटीज में भी जो लाल कलर का पानी आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं सप्लाई में कपात शुरू हो गई है, क्योंकि जुलाई महीने के बाद बारिश नहीं हुई है. ये सत्य परिस्थिति है. सारी सारे रिजर्वॉयर्स ओवरफ्लो हो गए थे जुलाई में, ऑन रिकॉर्ड है, और जुलाई के बाद बारिश ना होने की वजह आहिस्ते आहिस्ते इनका वाटर लेवल कम हो रहा है. अनडिक्लेयर्ड इन्होंने 25 से ज़्यादा परसेंटेज की कपात शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मुंबई में हाहाकार मची हुई है. हर एक मुंबईकर परेशान है कि प्रेशर कम होने के कारण पानी जो है वो लाल रंग का आता है. फर्स्ट 10 मिनट्स लाल पानी आता है, उसके बाद पानी आता है. 24/7 पानी देने का मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था सत्ताधारी पक्ष ने, लेकिन आज तक मुंबईकर को 24 घंटा पानी नहीं मिला है. ये कहीं ना कहीं मुंबई के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की, सत्ताधारी प्रशासन के साथ मिलकर खेलवाड़ कर रही. तुम्ही असा एक मुद्दा उपस्थित केला की उच्चभ्रू आहेत, म्हणजे सोसायट्यांना जास्त पाणी आणि झोपडपट्टी धरणाऱ्या लोकांना जास्त कमी पाणी पर लिटर असं काहीतरी. एक स्टडी स्टेटस मला भेटला आहे, त्या स्टडी मध्ये असा आहे माझ्याकडे की डोमेस्टिक युसेजला पाणी, मतलब ड्रिंकिंग वॉटर, कुकिंगसाठी, वॉशिंगसाठी, गार्डनिंगसाठी, व्हेकल क्लीन करण्यासाठी मॅक्सिमम किती पाणी लागतं, ॲव्हरेज किती लागतो आणि मिनिमम किती लागतो. मॅक्सिमम एका माणूसला 230 लिटर्स कंज्युमर पर डे, ॲव्हरेज आहे 135 लिटर्स कंज्युमर पर डे, आणि मिनिमम आहे 90 लिटर्स कंज्युमर पर डे. मुंबई महानगरपालिका सोसायटीमध्ये मिनिमम 90 लिटर्स कंज्युमर पर डे पाणी सप्लाय करते, आणि स्लम झोपडपट्टीमध्ये 25 लिटर पर हाऊस होल्ड, म्हणजे एका हाऊसमध्ये 5 लोक आहे तो 5 लिटर पर पर्सन असा पाणी सप्लाय आहे. आणि कुठलीही योजना जर यांनी तयार केली तर त्यामध्ये 240 लिटर कंज्युमर पर डे असं ते तयार करतात. म्हणजे 90 लिटर्स आपण देतात आणि 240 आहे, 50-60% यहाँ पे डिफरन्स है. इसका मतलब क्या? ये डिसीशन जो ये डिफ्रेंसिएशन है कि सोसाइटी में 90-25 जो है वो स्लम पॉकेट में, और 240 लीटर्स जो है वो नियोजन करते वक्त, तो इनको किसने हक दिया है इतना डिफरेंस रखने का? तो ये प्रश्न मैंने उपस्थित किया है. और आज 66 व की नोटिस के जरिए मैंने एक सिनारियो इनके सामने रखा है कि मुंबई में पानी का सप्लाई जो है वो पाइपलाइन के जरिए रिजर्वायर से आता है. गॉड फॉरबिडन अगर ये सडन कट ऑफ हो जाए मुंबई पानी सप्लाई से, तो इनके पास, आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है? एक विहार लेक है जिसमें रिजर्वायर जो है वो सिर्फ 4 से 5 दिन मुंबई में पानी सप्लाई करेगा. तो मैंने मांग की है कि जितने भी ओपन स्पेस हो, चाहे वो BMC के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर तैयार करिए. जो पानी बारिश का आता है, हम बहुत ही ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे यहाँ बारिश होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% ही हम उसको रिजर्वायर में, कैचमेंट एरिया में आता है, 90% जो समंदर में चला जाता है. तो यही पानी को अगर हम इन अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में रखेंगे तो ये मुंबई करके लिए बहुत बड़ी राहत का काम करेगा. सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है.